ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है संधि। संधि व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक को हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ संधि। संधि यूं तो व्याकरण पढ़ने वाला हर विद्यार्थी संधि के टॉपिक से परिचित रहता है। हम सभी जने संधि के तीन भेद से परिभाषित परिचित हैं और वो भेद इस प्रकार है। स्वर संधि व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। दोस्तों संधि की यह पहली सीरीज है और इस पहली सीरीज में हम चर्चा करेंगे केवल और केवल स्वर संधि। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं स्वर संधि से। हम सभी परिभाषित परिचित हैं कि स्वर संधि के मुख्य रूप से पांच भेद होते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्वर संधि के पांच भेद। पहला है दोस्तों दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और पांचवा भेद है अयादी संधि। तो दोस्तों इस प्रकार से स्वर संधि के पांच भेद हुए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। आज मैं दोस्तों आपको संधि बहुत ही इसी तरीके से एक ऐसे टेबल के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा और हमारा यह बिल्कुल ही 100% मौलिक प्रयास है। आप इसको जरूर सराहिएगा। आप हमारे हिमांशु ऑनलाइन एकेडमी चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रस्तुत है आपके सामने वह टेबल। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की किताबों में संधि को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उलझा रखा है। संधि वाले टॉपिक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उलझा रखा है और इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी तरीके से आज यहां पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की किताबों में संधि के बहुत सारे नियम दिए हुए हैं जो कि मुख्यतः मोटे तौर पर अगर हम देखें तो वो याद नहीं रहते हैं। अब हम एक टेबल लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल टेबल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। केवल एक तरीका समझ लीजिए, जैसे ही तरीका आपको समझ में आ जाएगा और वैसे ही आप ये टेबल बनाना सीख जाओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पांचवी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी इस टेबल को बड़ी आसानी से बना सकता है। तो दोस्तों के आपके सामने ये टेबल देखिए। आप सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला में उ के बाद क्या आता है? री ऋषि।
था तो मैंने इसको यहां लिखा री ऋषि मान। री ऋषि के बाद क्या आता है? ए आई, तो ए आई यहां आ गया। और ए आई के बाद क्या आता है? ओ ओ, तो ओ ओ यहां आ गया। दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये भी नियम हमने आपको याद नहीं करना पड़ा है, केवल अ आ ई ऊ री ए आई ओ ओ लिखा है, कुछ नहीं करना। इसके बाद दोस्तों आप बराबर लगाएंगे, बराबर 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 और बराबर। अब इसका जो परिणाम निकलेगा, इस परिणाम को भी, इसका जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। परिणाम कैसे लेंगे? जैसे फर्स्ट वाला है अ ओब्लिक आ प्लस ई ओब्लिक ई बराबर, इसको यहां से लिखे बराबर बनेगा ए, तो ये हो गया ए। दूसरा वाला नियम है उसका परिणाम यहां से लीजिए ओ, ये बन गया ओ। चौथा वाला जो है इसका परिणाम यहां से लीजिए, ये बन गया आई। और पांचवा वाला जो है यानी अ ओब्लिक आ प्लस ओ ओब्लिक औ बराबर क्या बनेगा, इसको यहां से लीजिए तो इसका परिणाम निकल गया औ। अब केवल तीसरा बचा, इसको थोड़ा सा याद रखते हैं, ये होगा अ। तो दोस्तों बड़ी ही सिंपल सी टेबल है, कुछ नहीं किया, अ आ अ आ अ आ अ आ अ आ को पांच बार लिख लिया, फिर प्लस प्लस से अच्छा लगा लिया। अ आ के बाद क्या आता है? ई ई, ई के बाद उ उ, उ उ के बाद री री, के बाद ए आई, ए आई के बाद ओ। और हम पूर्ण रूप से वर्णमाला के हिसाब से ही चलते हैं। रिजल्ट में भी हम लोग को कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, बराबर लगा के रिजल्ट ये परिणाम क्या निकला, इस पहले नियम का परिणाम निकला ए, ये यहां से ले लिया, ये यहां से ले लिया, ठीक है। फिर दूसरे का परिणाम यहां से ले लिया, चौथे का परिणाम यहां से ले लिया, और पांचवे का परिणाम यहां से ले लिया। तो हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, केवल समझाने के लिए ऐसा एरो लगाया था, इसको मैं वापस निकाल देता हूं एरो। अब दोस्तों इसको समझना, ये बन गया अपना टेबल, एक संपूर्ण टेबल है। अब इसमें वृद्धि संधि और गुण संधि हम दर्शा सकते हैं। तो गुण संधि तो दोस्तों यहां तीन नंबर तक हो गई, नंबर तीन तक, एक से लगाकर तीन तक, ये तो हो गए गुण संधि के नियम। और चौथा और पांचवा जो है खाना, ये हो गया वृद्धि संधि का टेबल या खाना। अब हम बात करते हैं यल संधि और अयति संधि। यल संधि और अयति संधि के नियम भी याद करने की कभी आवश्यकता नहीं है, हम इसी टेबल में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों प्लस और बराबर इन दोनों के बीच में जाकर यहां आप ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि यल संधि में य व र इन शब्दों का प्रयोग होता है, इन अक्षर के नीचे सॉरी इन अक्षर इन अक्षरों का एक वर्णों का प्रयोग होता है। और इनके आगे यदि आपको आधा वर्ण दिखाई देता है, जैसे य के आगे आधा वर्ण, व के आगे आधा वर्ण और र के आगे आधा वर्ण, तो हम प्रायः अक्षर ऐसा मानते हैं कि वहां यल संधि होगी, यानी कि यल संधि की ज्यादातर अधिकांश मामलों में संभावना होती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं य व और र, य के आगे आधा वर्ण, व के आगे आधा वर्ण और र के आगे आधा वर्ण, ये लिखा य बहुत इसी तरीके से समझिएगा दोस्तों य व और र। य के आगे आधा वर्ण अगर आ गया तो उसको आदेश होगा छोटी ई का या बड़ी ई का, ठीक है। व के आगे अगर आधा वर्ण दिखाई दिया तो वो चेंज हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा छोटे ऊ में या बड़े ऊ में। र के आगे आधा वर्ण दिखाई दे दिया तो वो यल संधि होगी और वहां पर वो परिवर्तित हो जाएगा बी में। इसी तरह से अगले वाले टेबल में चलते हैं, ये वाला जो टेबल है ये हो गया यल संधि का, यह संधि ये वाला केवल बीच वाला इस लाइन से इस लाइन तक, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है ये पूरा बड़ा बड़ा सा, ये हो गया
सारे एम है या आई है। व के आगे यदि आपको एक वर्ण दिखाई दे तो वो परिवर्तित होता है ओम है या अम। तो दोस्तों चार स्वर संधि के चार भेदों के पूर्ण रूप से यहाँ पर नियम विद्यमान है। तो मैं यहाँ पर इस वाले खाने को मैं लिख देता हूँ हरियाणी संधि हरियाणी, और ये जो नीचे वाला जो बड़ा खाना है इसको मैं लिख देता हूँ वृद्धि संधि। तो दोस्तों ये वाला टेबल आपको बड़े इसी तरीके से बनाना आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझा है। अब एक छोटे छोटे से एक एक संधि के उदाहरण ले लेता हूं। मैं चलता हूं सबसे पहले गुण संधि की तरफ। गुण संधि के हमारे तीन नियम है और दोस्तों हमने वो ऐसे नियम हमने तैयार नहीं किए हैं, सॉरी हम कहीं पढ़ते नहीं आए हैं, हमने खुद यहाँ पर तैयार किए हैं और बहुत ही इसी तरीके से टेबल के माध्यम से पहला नियम दूसरा नियम और तीसरा नियम। मैं शुरुआत करता हूं जैसे मेरे मुख्य नाम से राकेश। दोस्तों शब्द दे रखा है राकेश और उसकी संधि कर बहुत ही आसान से पहचान है, ऊपर आपको एक ही मात्रा दिखाई दे रही ठीक है, और एक इसका परिणाम होता है गुण संधि का परिणाम होता है। अच्छा जब एक गुण संधि का परिणाम है तो हम इस वाले नियम पर चलेंगे, पहले वाले नियम पर। पहले वाला नियम क्या कह रहा है, अ या आ धन ई या ई बराबर ए। दोस्तों आप इस तरह ध्यान में रखिएगा य और ये तो यंग संधि के नियम मैंने अलग से ले रखे हैं, हम केवल इस तरह से चल रहे हैं ठीक है। तो चूंकि राकेश ने एक ही मात्रा है ए परिणाम मिला तो ये इस वाले खाने का हमें जाना है, इस वाले नियम को हमें अपनाना है। अ होगी आ प्लस ई होगी ई बराबर ए ठीक है। तो मैं इसके चार गुण कर सकता हूं, पहला गुण हो जाएगा राख धन छोटी और शव ईश, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा राख धन छोटी शव ईश, तीसरा टुकड़ा हो जाएगा राख धन बड़ी ईश बड़ी और शव ईश, और चौथा टुकड़ा हो जाएगा राख धन बड़ी ईश ठीक है। तो मैं चार टुकड़ों को यहाँ लिख सकता हूँ इस टेबल के माध्यम से। पहला वाला राख ओ ये ओ ठीक है, यहाँ मैं उठ धन छोटा शब्द होंगे लेने राकेश का शब्द ठीक है, फिर दूसरा टुकड़ा भी मैं यही करूंगा, दूसरा ऑप्शन भी मैं यही करूंगा बी राका आगे राका धन वापस इसको ही लिया ईश छोटा ई शब ठीक है। अब तीसरा सी वापस भाग ले लिया लेकिन इसके साथ में छोटा ही नहीं ले सकता, इसके साथ में क्या लूंगा बड़ा ही, तो बड़ा ही शब और डी में मैंने ले लिया वापस राका आगे वाला धन इस बार ये छोटा ही आया था शब, अब मैं इसको बड़ा लेता हूं ई शब ठीक है। दोस्तों तो अब बिल्कुल से आसान तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए वर्तनी की दृष्टि का भी हमने वर्तनी का भी नॉलेज हमें होना चाहिए, वर्तनी का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। राख शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है और छोटा ईश वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसे राख शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, ईश वाली सही है लेकिन ये ऑप्शन बहुत हो गए दोनों, इसे राका काम होता है लेकिन ईश गलत है वर्तनी की दृष्टि से क्योंकि ईश बड़ा होना चाहिए, और बी जो है राका और ईश यानी राका शब्द का अर्थ होता है रात और ईश यानी स्वामी यानी रात का स्वामी कौन चंद्रमा यानी राकेश। तो शब्द दिया हुआ है इसके चार ऑप्शन हमने खुद ने किए, पूरा हमने विश्लेषण किया और पूरे विश्लेषण के बाद हमने जाना कि इसका उत्तर होगा राका धन ईश, बहुत आसान सी चीज है। अब केवल एक उदाहरण हो गया गुंगा, मैं करता हूं अब वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि का मैं अच्छा एक एक शब्द ले लेते हैं, एक हो गया वो का ले लेते हैं ओ ये तो उपदेश। दोस्तों दिखने में आसान था कि इसका टुकड़ा ये होगा कि तो उपदेश, लेकिन कहां से होगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, इसका
लेकिन कैसे होगा वो हम इसके चार प्रकार हम खुद बना सकते हैं। ए क्या बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह अ है इसलिए होगा हित। तब छोटा उ ले लूं मैं उपदेश, ठीक है। बी हो जाएगा हिता धन उपदेश, सी हो जाएगा हित धन उपदेश, और डी हो जाएगा हिता धन बड़ा उ और उपदेश। तो दोस्तों आपको पता है क्यों वर्तनी की दृष्टि से हित बिल्कुल सही है, और हित शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और उद्देश्य भी वर्तनी की दृष्टि से सही है। हम ये वाला उद्देश्य ये बड़ा वाला नहीं ले सकते, यहाँ पर हम बड़ा वाला नहीं ले सकते, हम छोटा ही लेंगे वर्तनी की दृष्टि से, वही उपयुक्त है। बस ये हो गया हित धन उद्देश्य। ए ए का जो ऑप्शन है नंबर वन वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला राइट हुआ ऑप्शन, और यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन हमने खुद क्रिएट किए, खुद बनाए। तीसरा है गुण संधि में जिसका अर वो निकलता है पहला, तो मैं इसको ले लेता हूं राजर्षि। इसका क्या बनेगा दोस्तों, या तो बनेगा राज धन ऋषि, या बनेगा राजा आदि मतलब राजा धन ऋषि। तो दोस्तों इसमें राजा धन ऋषि होगा, राजा का ऋषि राजर्षि। थोड़ा सा उसका अर्थ का भाव, शब्द के अर्थ का भाव भी मालूम होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि में दोस्तों ये क्या कह रहा है, अ ओब्लिक आ धन ए ओब्लिक ए बराबर आई। दोस्तों इस य और इस व को यहाँ पर भूल जाना, क्योंकि ये य और व का यूज इस वाले खाने का यूज हम अय संधि में करेंगे, अभी हम इस तरह से क्षैतिज रूप से चल रहे हैं। तो वृद्धि संधि का दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूँ, ए ए कई। दोस्तों उदाहरण दे रखा है और प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसके टुकड़े करने हैं, इसकी संधि करनी है। तो सीधा सा है दोस्तों, अगर आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही है, दो मात्राएं ऊपर लगी हुई, इसका मतलब ये है कि वो आई की मात्रा है, और आई किसका परिणाम होता है, आई हमेशा परिणाम होता है वृद्धि संधि का। तो जो आई वाला जो कॉलम है क्षैतिज रूप से हम देखेंगे आई वाला कॉलम, तो हम इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, यहां वो वाला नियम चलेगा जो राकेश में चला, जो हितोपदेश में चला। कैसे, पहला टुकड़ा होगा एक, पहला टुकड़ा होगा एक धन, दूसरा एक धन एक, इसको वापस ए लें, ये तो हो गया ए, ऑप्शन बना रहे हैं ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बनेगा, ए का, क्योंकि आठ का था ऑब्लिक लगा रखा है इसलिए ए का, बी ऑप्शन ए का धन, धन में हम क्या लेंगे ए को तो लेंगे, फिर हम धन में लेंगे आई आई। सी ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा वापस अगली मात्रा वाला यूज में प्रयोग हो एक धन, इस बार पिछली बार मैंने ए का प्रयोग कर लिया, तो इस बार मैं आई का प्रयोग करूंगा आई। और डी का, डी वाला ऑप्शन क्या बन जाएगा, एका आगे बात रह गई वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ प्रत्यय का नियम है, ये मैं बाद में चर्चा करूंगा।
और b a का घन 1, a का शब्द होते हैं कि 1 होता है लेकिन ये पूरे घोष अच्छा क्या a वाला घोष a घन 1, इसलिए a का एकक टुकड़ा हमेशा a घन 1 होता है। तो दोस्तों अभी यहां पर हमने गुण संधि और वृद्धि संधि की चर्चा की, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण यह संधि का ले लेता हूं कि आप सोच रहे होंगे इस खाने का क्या करना और साथ ही साथ इस खाने का क्या करना, ये खाना जो है ये बिलोंग करता है यह संधि को और ये वाला जो खाना है ये बिलोंग करता है अयन संधि, तो मैं पहले यह संधि का ले रहा हूं। यहां मैंने क्या लिख रखा है, यह के आगे आधा वर्ण हो तो वो परिवर्तक होता है या तो छोटी ई में या फिर बड़ी ई में। देखिएगा दोस्तों इसका उदाहरण, जैसे कि ये शब्द है तो देखो दोस्तों यो के आगे आधा वर्ण आधा ख, ये देखो आधा दिखाई दे रहा, यो के आगे आधा और अपना नियम ये ही रहा यो के आगे आधा, इसका मतलब क्या हुआ जो आधा वर्ण है वो या तो छोटी में परिवर्तित होगा या बड़ी में। तो दोस्तों मैं या तो इसको ऐसे करूं सखी छोटी छोटी माता करो या मैं इसको बेटा के बड़ी भी लगा सकता हूं, ये बड़ी लगा। तो दोस्तों हिंदी में जब वर्तनी की दृष्टि से बात की जाती है तो सखी में हमेशा बड़ी मात्रा आती है, तो मैंने यहां सखी बड़ी मात्रा लगा ली। अब पीछे वाला जो शब्द बचा है वो बचा है यशवर जी, ये वाला जो यहां से जो शब्द की शुरुआत है इसको हम स्वर से शुरुआत करेंगे, यही का हम बना देंगे आई और फिर वो पूरा लिख देंगे आई स्वर, बहुत सिंपल। यहाँ यह क्या के आधा वर्ण था, यह क्या के आधा वर्ण तुरंत पहचान कर ली है यह संधि है और जो आधा वर्ण है उसी पर हमने छोटी या बड़ी की मात्रा लगा दी है, तो हमने वर्तनी की दृष्टि से सखी में बड़ी की मात्रा लगा दी और ऐश्वर्य की जगह वो वर्ण वो शब्द हो जाएगा फिर ऐश्वर्य, तो इसका टुकड़ा हो गया सखी धन ऐश्वर्य, बिल्कुल सहसा। फिर देखिए यह संधि का दूसरा नियम, वह के आगे आधा वर्ण हो तो वो परिवर्तित होता है उ और ऊ और वहां पर यह संधि होती है। तो जैसे दोस्तों में इसका उदाहरण मैं लिखा हूं, इसका उदाहरण मैं लिखा हूं यहां पर मधवा का मधवा गवन, दोस्तों यहां पर ध बड़ा हो गया है तो इसका कोई आप मधवा का, देखिए दोस्तों व के आगे ध और आधा, व के आगे आधा वर्ण, ये देखिए व के आगे आधा वर्ण, तो व के आगे यदि आधा वर्ण होता है तो वो परिवर्तित होता है या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, व के आगे आधा वर्ण है ध और ये आधा वर्ण परिवर्तित होगा या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, तो मैं या तो इसको ऐसे लिखू मधु या फिर मैं क्योंकि यहाँ नौकरी देर का छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं या फिर मैं इसको ऐसे लिखो वधु, तो दोस्तों हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से वधु में बड़े उन की मात्रा आती है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से ये सही हुआ और इसका टुकड़ा हो गया वधु धन वाद का हो जाएगा वाद वधु, बिल्कुल सा आसान। ठीक है दोस्तों यदि र के आगे आधा वर्ण हो तो वो परिवर्तित होता है नि, वहां पर संधि होती है वही यह संधि क्योंकि ये वाला खाना होगा यह संधि में चल रहा, तो यहां पर इसका भी मैं एक उदाहरण लेता हूं दोस्तों, इसका उदाहरण है यहां जैसे मैं थोड़ा सा यहां निकाल देता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिया पितृनुमति, तो यहां त दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा सा खोल सकते हैं क्योंकि र के आगे आधा वर्ण होना कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा सा खोल देता हूँ पितृनुमति शब्द को, इस तरह से लिख सकते हैं पितृनुमति, इसको खोल दिया, इस पितृनुमति को खोल दिया पितृनुमति नुमति। अब ये देखिए ये कंडीशन वापस आ गई, र के आगे आधा, ये देखिए र के आगे आधा, र के आगे आधा वर्ण है तो पितृनुमति में कौन सी संधि होगी, यह संधि होगी। फिर र को जो आधा वर्ण है उसकी मात्रा किसने परिवर्तित हो जाएगी, भी में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो ध के आगे आधा वर्ण है तो इसकी मात्रा परिवर्तित हो गई नी में, तो ये हो गया पितृनुमति।
नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे केवल बारह वर्ण में देखो स्वर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों अंतिम अयादि संधि की हम चर्चा करेंगे। अयादि संधि में य के आगे अगर एक वर्ण हो तो वो या तो ए या आई में परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे 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 चयन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए य के आगे एक वर्ण, ये देखिए य के आगे एक वर्ण तो परिवर्तित हो जाएगा या तो ए में या आई में। तो दोस्तों चूंकि यहां पर च में अ की मात्रा इसलिए हम इसको परिवर्तित करेंगे ए। यही तो मैं परिवर्तित कर देता हूं, ये चेयर हो गया, ठीक है। और फिर पार वाला टुकड़ा अन हो जाएगा, कैसे चे दम अन, ये चेयर हो गया चे दम अन। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे कि पवन, ये और व के आगे एक, व के आगे एक, यदि व के आगे एक में होता है तो वो या तो ओ होता है, ओ में परिवर्तित होता है या फिर औ में परिवर्तित होता है। व के आगे एक वर्ण है इसे वो या तो ओ में परिवर्तित होगा या फिर औ में। दोस्तों मैं इसको ओ में परिवर्तित होगा, को क्यों कहूंगा, क्योंकि व के आगे जो एक वर्ण है वो अ की मात्रा वाला एक वर्ण, इसलिए मैं इसको ओ में परिवर्तित होगा। और फिर वर्ण को लिखूंगा मैं अर्ण। अब दोस्तों अगर ये शब्द होता पावन, अगर पावन नहीं होता और पावन होता तो इसका संधि क्या होगी, देखिए व के आगे क्या है एक वर्ण, व के आगे क्या है एक वर्ण, लेकिन यहां पर आ की मात्रा पा, इसलिए मैं परिवर्तित करूंगा पा को, मैं परिवर्तित करूंगा औ में, तो टुकड़ा होगा औ धन अन। यहां पर केवल अ की मात्रा थी ओ, ओ, इसलिए मैंने उसको केवल ओ में परिवर्तित किया, वो ओ हो गया, लेकिन ये पावन पा आ की मात्रा है इसलिए मैंने इसको ओ में परिवर्तित किया औ धन अन। ये फर्क, ये डिफरेंस इसमें होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से एक उदाहरण सब यहां ले लेते हैं गाड़ी का। देखिए दोस्तों चूंकि चयन शब्द में, क्योंकि चयन शब्द में केवल अ की मात्रा थी इसलिए मैंने किसका चुनाव किया, ए का चुनाव किया, ए का। इसको यहां से लिखेंगे, समझे, ये यहां से लिखेंगे, ये तो है यहां से और ये है यहां से, ठीक है दोस्तों। तो चयन में चूंकि अ की मात्रा थी इसलिए मैंने ए का चयन किया, ए लगाया, ठीक है, और वो टुकड़ा हो गया चेतन अन। लेकिन गायिका में आ की मात्रा घा आ बड़ी मात्रा, तो बड़ी मात्रा होने से मैं किसका चुनाव करूंगा, आई का चुनाव। जब केवल चयन में च अ की मात्रा थी तो मैंने ए का चुनाव किया, गायिका में घा आ की मात्रा बड़ी मात्रा तो मैं आई का चुनाव, आई, ये देखिए आई, ये घा। तो फिर ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, गई गा परिवर्तित हो जाएगा आई में, गई धन ईका, पीछे लिखा था ईका, ईका परिवर्तित हो जाएगा ईका, बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक